अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूट्यूब प्राइम के हवाले से। यूट्यूब प्राइम का जो फीचर है वो तकरीबन पूरी दुनिया में लॉन्च हो चुका है, और उससे जो सबसे बड़ा मुश्किल जो आई थी ना, वो आई थी कॉन्टेंट क्रिएटर। जैसे हम लोग यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स का मतलब एक माइंड सेट ये था कि यूट्यूब जो एड चलाता है उसका जो रेवेन्यू होता है वो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब 45% वो अपने मतलब पार्टनर को देता है। लेकिन यूट्यूब प्राइम के अंदर उन्होंने एड्स को बंद कर दिया। मतलब उसका मेन फीचर यही है कि उस पर एड्स नहीं आएंगे, लेकिन आपको उसको पे करना पड़ेगा। मतलब यूट्यूब को आप पे करेंगे, उसके बाद आप यूट्यूब प्राइम यूज कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अच्छे स्पॉन्सर आते रहेंगे तो आप अच्छा कंटेंट बनाते रहोगे। इसी तरह यूट्यूब के पास अच्छे एडवर्टाइजमेंट आती रहेगी, अच्छे अच्छे ऐड आते रहेंगे, अच्छी कंपनीज इनको रीच करती रहेंगी, तो ये अपना काम चलाते रहेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली यूट्यूब ने यूट्यूब प्राइम के नाम से एक मतलब एक अलग कुछ जो अपर क्लास होता है ना, अपर क्लास फीचर उन्होंने लॉन्च किया है जिसमें एड्स नहीं आएंगे। तो हम जैसे कॉन्टेंट क्रिएटर फिर कैसे कमाएंगे? मतलब हम लोगों को जो रेवेन्यू देता था वो रेवेन्यू वही होता था जो वो एड्स के जरिए कमाता था। अब एड्स ही नहीं होंगे तो ना तो उसकी कमाई होगी ना हमें कुछ मिलेगा। इसके बारे में YouTube ने ये कहा है कि YouTube प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है उसके जो चार्जेस हैं वो उसको डिवाइड करेगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने YouTube प्राइम को बहुत ही आड़े हाथों लिया है और उन्होंने मतलब इसके खिलाफ काफी ज्यादा कंप्लेंट्स चलाई हैं, और उन्होंने कहा है कि एड्स तो नहीं आ रहे लेकिन वो क्वालिटी हमें नहीं मिल रही जो हमें नॉर्मल यूट्यूब पे मिलती थी। तो उसके लिए मतलब गूगल का रिस्पॉन्स ये है कि गूगल इस तरह की चीप हरकतें पहले भी करता रहा है। वो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट बनाता रहा है जो उसमें मतलब कोई फायदा नहीं था यूजर्स को, लेकिन उसने बनाई और फिर खत्म कर ली। तो गुमान ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में यूट्यूब प्राइम जो है या तो उसको खत्म कर दिया जाएगा या थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया जाएगा जिससे उसकी क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा। इसी तरह जो पाकिस्तान में यूट्यूब प्राइम आ रहा है उसका भी वही हाल है अभी, मतलब उसमें एड्स नहीं है लेकिन उसमें बाकी सारी चीजें मतलब क्वालिटी वगैरह पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से लोग पाँच सेकेंड या 10 सेकेंड का एड देखना पसंद कर रहे हैं, ना कि पैसे देके यूट्यूब को देखना पसंद करें। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यूट्यूब प्राइम जो है वो मतलब एक अच्छी चीज़ है, मतलब हम जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए। मेरा ख्याल है कि जो उसका रेवेन्यू होगा यूट्यूब का वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सकता था क्योंकि उसके पास ऑप्शन ज़्यादा थे। यहाँ पे ऑप्शन कम है, मतलब बहुत कम, 10 से 2 बंदे ऐसे हैं जो यूट्यूब प्राइम की तरफ जाते हैं। जो 8 बंदे हैं वो कहते हैं कि भाई हम इतनी सी चीज़ के लिए मतलब 5 सेकंड के एड्स के लिए हम लोग क्यों पैसा ज़ाया करें। तो इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं वो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।